व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आशीष चंचलानी ने कल इंस्टा पर स्टोरी डाला था कि कल एक वीडियो डालू क्या। तो ऑब्वियसली उन्होंने वीडियो ड्रॉप भी कर चुका है और वीडियो कैसा है हम देखेंगे साथ में, उसके बाद में अपना ओपिनियन देंगे। वीडियो का टाइटल है लॉकडाउन विथ परिवार। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो लॉकडाउन पर है, थोड़ा फनी होगा। लेकिन ये वीडियो को फनी में मत लीजिएगा, क्योंकि आशीष चंचलानी भाई जस्ट ये इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको रॉन्ग मत समझ लीजिएगा। क्योंकि जस्ट आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि वो कितने अच्छे कॉमेडियन है, कितने फनी वीडियो बनाते हैं, और वो अभी इंडिया का टॉप यूट्यूबर में भी गिने जाते हैं। अगर आप आशीष चंचलानी भाई के शुरू से फैन हो, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा वो कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। अब शुरू से आप जानते होंगे, उनका वीडियो फॉलो करते होंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा वो अच्छे इंसान भी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम वीडियो की बातें करेंगे। और आशु, लॉकडाउन में क्या टाइम पास कर रहा है भाई? मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार, मैं घर बैठे बैठे मुझे तो जब आशीष चंचलानी भाई बोलते हैं ना, तभी आशीष स्टार्ट हो जाता है। 100 चम्मच, 50 कांटे, 25 ड्रॉअर, 6 दरवाजे और एक पागल बहन है। अरे वाह, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और क्या क्या किया आपने आशीष सर? मैंने बहुत चीजें की, टेरेस पे ट्रैकिंग, गार्डन में जॉगिंग, फुल मजे लीजिए अगर आप लॉकडाउन में घर में है। सही है, आशीष चंचलानी भाई ने वीडियो भी इसीलिए डाला है कि आप बोर ना हो। बहुत अच्छे दोस्त है, काफी गहरी फ्रेंडशिप हो गई हमारी। लेकिन वो क्या है ना, वो दोनों चूहे कपल है, तो मेरे को कभी कभी लगता है मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अबे ओ, लगता है क्वारंटाइन में घर बैठ बैठ के ना तू पागल हो चुका है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है घर पे भाई। तेरे को पता है मेरे साथ घर पे और भी लोग रह रहे। कौन लोग तेरे साथ रह रहे भाई? वही जिनको हम प्यार से माँ बाप बुलाते। भले ही मेरे को कितनी भी गालियाँ देते हो, कितने भी ताने मारते हो, मैं प्यार करता हूँ उनसे। बस जब भी अपने रूम से बाहर निकलता हूँ, मेरे को देखते ही अपने बाल नोचना चालू हो जाते हैं। बहुत गालियाँ और ताने देते, इतने गालियाँ और ताने देते, मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट मेरे घर में ही लॉकडाउन घोषित कर देगी कि हॉल में ना 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अरे यार जादू, मैं तेरे को एक मेन बात बताना भूल गया यार, मेरी वो क्रश है ना। कौन सी? दुनिया की हर जिंदा लड़की में तो तेरे को क्रश है ही। अबे सिमरन यार, उसने मेरे को बोला आज हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। यार वो मेरे को पक्का पसंद करती है, इसलिए वो वीडियो कॉल पे बात करना चाहती है। बेटा बोर हो गई होगी वो घर पे, तू है ना उसका लास्ट ऑप्शन है, इसलिए तुझसे बात कर रही वीडियो कॉल पे। यार जादू पका मत यार, मैं जा रहा हूँ अभी से वीडियो कॉल पे बात करने, चल मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्राणी अपने बिल से बाहर भी निकलता है। तो आज के डिस्कवरी एपिसोड में हमको पता चला ये जानवर अपने बिल से बाहर भी निकलता है। आ जा मेरे लाल, बैठ जा। क्या बात है बेटा, हमको सिखाना। क्या? यही बेटा कि एक जगह पे 12-12 घंटे फालतू कैसे बैठा जाता है, मेरे को सिखाना बेटा। क्या मैं काम करने वाला आदमी और मैं तो तेरी तरह फालतू हूं नहीं, तो मेरे को सिखाना। अभी क्या लॉकडाउन हो चुका है, तो मेरे ख्याल से पूरे घर को तेरे से फालतू बनने की ना कोचिंग लेनी चाहिए। मैंने किसी को तो कहा था कि डॉक्टर बन जा, लेकिन वो क्या बना? यूट्यूबर। अरे यार फिर से चालू हो गया इनका। बाहर जाके पूछा तेरा ये YouTube कुछ काम आया लोगों के? हाँ पप्पा, यार डॉक्टर बनता तो कम से कम काम आता, इस वायरस को मारने में मदद करता। अभी कैसे मारेगा? सब्सक्राइबर फेंक के मारेगा? हाँ सिल्वर प्ले बटन लेके वायरस का मर्डर करने जाएगा? कम से कम डॉक्टर बनता तो वतन के काम आता, अभी बस बर्तन के काम आ रहा है, वो भी खाने में धोने में नहीं। अच्छा आप तो ऐसे बात करो जैसे आपके पास 7-7 डिग्री है डॉक्टर की। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ? मेरे पास कुछ नुस्खे है इस वायरस को भगाने के लिए। उधर पूरी दुनिया इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है और आपके पास नुस्खे? कहाँ से आए आपको ये नुस्खे? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया मेरे को। यार इनका व्हाट्सएप बंद करवाओ कोई। छछुंदर का मूत, घोड़े की टट्टी और कुत्ते का शुक्राणु मिला के अगर इंसान सूंघ ले तो उसको ये वायरस कभी नहीं पकड़ता। अरे ओ पप्पा, ये सब सूंघने से इंसान ऐसे ही मर जाएगा, वायरस की जरूरत क्या? Oh no! पापा प्लीज व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस को विश्वास मत किया करो, ये सब फेक होता है, मसाला बनाने के लिए कुछ भी भेजते रहते हैं लोग, आप पागल हो गया यार। अच्छा कम से कम ये तो मानता है कि अगर तू बाहर निकल के सत्संग पे एकजुट होके इकट्ठा होके अगर सबके साथ प्रार्थना करेगा तो ये वायरस भाग जाएगा। अरे ओ पापा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम सुना है? ये बाहर जाके इकट्ठा होने से बीमारी और फैलेगी, हमको क्राउड नहीं करना है, घर पे ही रहना है। और अगर आपको प्रे ही करना है तो घर पे रहकर प्रे करो ना, ये खास बाहर जाके क्यों प्रे करना है? और पापा वो वायरस है, विक्रम भट्ट की पिक्चर का भूत नहीं है, सब इकट्ठा होकर प्रे करेंगे भग जाएगा। अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम तुलसी चाट चाट के वायरस को भगाते थे। ये तुलसी कौन है? हरामखोर, पत्ते की बात कर रहा हूँ, तुलसी के पत्ते की बात कर रहा हूँ।
और उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम बांसुरी बजाते थे। अब ये बांसुरी कौन है? बहन के टके, बांसुरी फ्लूट की बात कर रहा हूँ, डंडे की। अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के, हाँ पापा पता है, जब आप हमारी उम्र के थे तब आप बैटमैन की नाजायज औलाद थे। आप तो मार्स पे होते थे, मम्मी अर्थ पे होती थी और आप वॉकी टॉकी से प्यार का इजहार करते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप डायनासोर की पीठ पे बैठ के दादी के लिए टमाटर घोड़ी घोड़ी खेल के लेने जाते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप वर्ल्ड वॉर टू में पैराशूट पहन के प्लेन से जंप मार के स्कूल में जाते थे, है ना पापा? मैं कसम से कह रहा हूँ ये वायरस दवाई से मरे ना मरे, आपकी ये फेकम फाकी कहानियों से जरूर मर सकता है, ट्राई करो जाके आप। बेटा इधर तो है ना, मेरे को हाथ में खुजली हो रही है, एक चमाट तो खींच के हंसाने का खूबी भी डिफरेंट तरीका के है भाई के पास। सिमरन हाय। हाय आशु, कैसा है तू? मैं मस्त, और क्या चल रहा है आशु? इग्नोर दैट्स माय मॉम। या सॉरी आशु। हाँ मम्मी। आशु। हाँ मम्मी। अरे आशु। हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाने दे। I'm really sorry. So, मैं क्या कह रहा था ना कि अरे आशु। अरे क्या हुआ मम्मी? बिजी है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है जाने दे। I'm really sorry Simran. No, it's fine. I understand. मैं ये कह रहा था कि माँ के लिए टाइम नहीं है तेरे पास। अरे मम्मी 7 दिन से तो घर पे ही हूँ यार, अपनी शक्ल रोज तो दिखा रहा हूँ, अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो माँ के लिए टाइम नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है यार। I'm really sorry, you know, mom's... शर्म नहीं आती माँ पर चिल्लाते हुए? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं दूर बैठा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अभी भी चिल्ला रहा है। अरे दूर बैठा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अभी भी चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। अरे अभी तू चिल्ला रही है। मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि तू दूर बैठा है। Simran, let's just ignore, okay? Let's just ignore. So I was saying कि घर पे जब से क्वारंटाइन। आशु, तूने अपने कच्छे क्यों उतार दिए बीच में? मम्मी मैंने कोई कच्छे नहीं उतारे यार, कुछ भी मत बोलो। तेरे कच्छे तेरे पापा के पैर में अटक गए। अरे मम्मी क्या बोल रही है यार, मैंने नहीं उतारे कोई भी कच्छे। ऐसे अच्छा लगता है तेरा बाप अपने पैर में कच्छा लटका के घूमे? मम्मी आप पागल हो गए यार, कोई सबूत है क्या मेरे कच्छे? तो अभी CID में भेजो प्रूफ करने के लिए कि तेरे कच्छे। I don't know what to say this. अरे आशु अब क्या हुआ? आशु तूने फ्लश क्यों नहीं किया है? Oh no! तेरी पोटी कमोड में तैर रही है, मेरे को घूरे जा रही है। मम्मी पागल हो गया यार, मैं अभी क्रश से बात कर रहा हूँ यार, ये पोटी वोटी की टाइम बात है क्या यार? आशु बेटा चल मम्मी का हाथ पकड़, पहले पंखा साफ करेंगे, फिर सीढ़ियां साफ करेंगे, उसके बाद ट्यूबलाइट पे जो मकड़ी के जाले। मम्मी मुझसे नहीं होगा। नहीं सही है बेटा, एकदम सही बोला। मैं जब तुझे पैदा कर रही थी ना तब मुझे डॉक्टर को भी यही बोलना चाहिए था, नहीं भाई साहब मुझसे नहीं होगा। फिर तू आधा अधूरा बाहर अटका होता ना तब तेरे को पता चलता तेरी माँ इधर कैसे अटकी हुई है। लॉकडाउन बाहर हुआ है ऐसा लग रहा है वायरस में हो और सैनिटाइजर तुम हो, कितना माँ को टॉर्चर करोगे? भगवान ने मेरे को दो ही हाथ दिए इसलिए तो मैंने तेरे को पैदा किया, जिसमें भगवान ने दो हाथ चिपका के भेजे थे तब तो तू मेरे काम है, लेकिन तू भी मेरा काम नहीं कर रहा है। अपनी माँ से आज तक एक ग्लास पानी पूछा है? नहीं पूछा है। कोई लड़की हक भी देगी ना उसके लिए नदियां बाद हो गए पता नहीं अपनी कैसी कैसी। कितना काम करवाते हो अपनी माँ से? मम्मी आलू पराठा, मम्मी वड़ा पाव, मम्मी पास्ता। अरे तू मेरा राजा बेटा है कि खा जा बेटा, उधर मेरा पति नवाबजादा, इधर तू हरामजादा। ये नीले कलर का दुपट्टा पहने इसका मतलब क्या डोरेमोन समझ के बैठे हो? मेरे को शादी से पहले माँ काम करवाती थी, शादी के बाद सासू माँ काम करवाती थी, उसके बाद पति काम करवाते, उसके बाद बच्चे काम करवाते। अरे जब से घर में घुसती हूँ ना ऐसा लग रहा है काम वाली बाई का ऑडिशन दे रही हूँ, और ये ऑडिशन खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे हैं। अरे दिमाग खराब हो गएगा तुम लोगों का, इतना काम करते हुए अगर मेरे को टोनी स्टार्क ने देख लिया ना तो सबसे कह रही हूँ जावेद की बम्बे लात मार के उसको निकाल के मेरे को काम में रख देगा। ऊपर से तेरे कपड़े उठा उठा के उठ जाऊंगी मैं एक दिन, मैं कसम से कह रही हूँ। इतने गंदे मोजे तेरे, मोजे इतने गंदे, मेरे जिंदगी में इतने गंदे मोजे किसी के नहीं देखे। गुंडा पिक्चर के विलन भी तेरे मोजों से ज्यादा साफ थे बेटा, शर्म कर। और तो और तेरे मोजों में से इतनी गंदी बदबू आती है दुनिया के सारे वायरसों का नाश हो सकता है तेरी बदबू से, तेरे को पता है? आजकल सोचती हूँ ना तो सपने में झाड़ू पोछे के आते हैं, इतने बर्तन मांजे साबुन से, इतने बर्तन मांजे मेरे हाथ में साबुन मिल गए, मेरे हाथ इतने साफ हो गए, अगर घर के बाहर निकल के किसी आदमी को चपाट मारोगे ना उसको जिंदगी में कोई वायरस नहीं होगा, कसम से कह रही हूँ। ऊपर से तेरा बाप भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, पूरा दिन चाय मांगते रहते हैं, दिन में 6-6 कप चाय पीते हैं, अरे भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया इसके चाय के चक्कर में, पूरा दिन चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ, उसके बाद चाय के बाद बिस्किट चाहिए पकौड़े चाहिए। तेरे बाप का बस चले ना चाय में पूरा कबर डुबा के खा जाएगा एक दिन। कभी कभी तेरे बाप के साथ रात को सोती रहो तो ऐसा लगता है पति नहीं चाय पति के साथ सो रही हूँ। मम्मी यार नहीं, इस गंदी औलाद को कुछ भी बोलो मम्मी यार, लंच में मम्मी अचार,
रात को बाप बोले जानू प्यार, एक दिन ना तेरी मम्मी मर जाएगी काम करते करते, फिर याद रखना मम्मी हो या बाप मम्मी यार। अरे मम्मी अरे सुनो, एक कप चाय। नहीं क्या मेरा नाम है एक कप चाय या मेरी शक्ल पे लिखा है एक कप चाय? जिसको चाय पीने खुद ही जाके बनाओ। और तुम लोग भी सुनो, अपनी अपनी मम्मियों की मदद करो, और अगर तुमने ऐसे वक्त में अगर अपनी मम्मियों की मदद नहीं की ना, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मुंह ऐसा मांझूंगी ना, फिर पता चलेगा। सही बात। कैसे हो आप सब? आज एक बाप के कैरेक्टर के नाते नहीं, एक यूट्यूबर के नाते आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, अभी 21 दिनों के लिए हमारा भारत लॉकडाउन पे है, मतलब आप घर से निकल नहीं सकते। बहुत लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप और मैं, हम सब इसे रोक सकते हैं, इसे लड़ सकते हैं। बस हमें इतना करना है कि ये 21 दिन हमें घर पर रहना है। अगर आपने इस चीज का पालन नहीं किया तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं, और तो और इस देश के करोड़ों लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको खाना पानी गैस इलेक्ट्रिसिटी ये 21 दिन आपको सब मिलता रहेगा, तो प्लीज जाके पैनिक बाइंग मत कीजिए, इसकी वजह से खतरा और बढ़ सकता है। और प्लीज सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, आपके घर पे जो काम कर रहे हैं जो स्टाफ है उनके बारे में भी सोचिए। पहली बात तो आप उनकी सैलरी नहीं काटिए और उनको छुट्टी दे दीजिए प्लीज। जिस तरह हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करके हमारी सेवा करते हैं, उसी तरह हमें भी इस बार मौका मिला है कि हम अपने देश की सेवा करें घर पे रहकर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, वीडियो ख़त्म भी हो गया। मैंने आगे ही आपको बोला ही था कि आशीष चंचलानी भाई अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि वो अच्छे इंसान भी है, जैसे मैंने आपको आगे ही कहा था। तो दोस्तों, वीडियो की बात करें तो आपको पता ही होगा आशीष चंचलानी भाई कैसा वीडियो लेकर आता है, कैसा वीडियो बनाता है। वीडियो 100% बेस्ट था, कॉमेडी भी था। ये बेसिकली भाई ने जो अभी लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं ना, उसी के लिए ये लॉकडाउन वीडियो बनाया है, और वीडियो एकदम कॉमेडी था। जैसे कि आपको पता ही होगा आशीष चंचलानी भाई सबको हंसाते हैं और खुद भी हंसते हैं। उनमें डिफरेंट होता है ना, एक गॉड ने कुछ डिफरेंट गिफ्ट दिया है उनको, वो अपने गिफ्ट को यूज़ करके लोगों को हंसाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तभी तो इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर है। तो दोस्तों, वीडियो एकदम अच्छा था, और जैसे भाई ने कहा कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप घर से कहीं पर भी बाहर मत जाइएगा, लॉकडाउन का रूल्स मत तोड़िएगा, रूल्स को फॉलो कीजिएगा, और अपने जो आप खुद को ही मत देखो, अपने आसपास के लोगों जिसको भी प्रॉब्लम है उनको भी हेल्प कीजिएगा, कुछ हो सके तो कीजिएगा, नहीं हो सके तो जो हो सके वो कीजिएगा, और जो हो सके वही कीजिएगा, न सकेगा तो क्या करिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, हो सके तो कुछ कमेंट कर देना यार आशीष चंचलानी भाई के नाम पे, और पसंद आया हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन। एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं नेपाल से हूँ तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाता है, और कुछ बीच बीच में रुक जाता हूँ, तो ऑब्वियसली उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ तो ऑब्वियसली हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अच्छे से रहिएगा, कोरोना वायरस से बच के रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए।